तो जैसा कि हम यहाँ पे थे कि हाजी शरीयतुल्लाह ने डिक्लेयर किया था इंडिया को दारुल हर्ब, ही डिक्लेयर्ड इंडिया एज दारुल हर्ब। तो हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैंने एक पॉइंट आपको पीछे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसको आप दोबारा नोट कर लीजिए कि मुस्लिम्स जो बंगाल में थे वो सुपरस्टिशियस हो गए थे, इस्लाम जो था वो नॉन इस्लामिक रिलीजन की वजह से इन्वेड हो रहा था, नॉन इस्लामिक ट्रेडिशंस की वजह से इन्वेड हो रहा था, नॉन इस्लामिक कस्टम्स एंड कल्चर की वजह से इन्वेड हो रहा था, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे ऑन द फार्मर्स एंड ऑन द लो क्लास पीपल। तो हाजी शरीयतुल्लाह बीइंग अ रिलीजियस थिंकर ही डिक्लेयर्ड इंडिया एज दारुल हर्ब, इसका मतलब है एनिमी टेरिटरी, यानी कि एक ऐसे एरिया, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मुस्लिम्स अपना रिलीजन फ्रीली फॉलो नहीं कर पा रहे, दे नॉट फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन। तो फिर हाजी शरीयतुल्लाह ने अपने कुछ रिफॉर्म्स किए थे। क्या रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे? उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी 1818 में, विच वॉज नोन एज दी फराइजी मूवमेंट। और इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे उनका जो मेन पर्पस था वो बेसिकली ये था कि मुस्लिम्स अपने फर्ज को फॉलो करें, अपने फराइज को फॉलो करें, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को फॉलो करें। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो प्लीज सब चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, अब इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने जो बेसिकली टारगेट किया था वो टारगेट किया था ईस्ट बंगाल के मुस्लिम्स को। ठीक है, और अब इस मूवमेंट के जो उनके जो फॉलोअर्स थे वो कौन थे? बेसिकली द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट वर नोन एज दी फराइजीज। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई थी कि यहाँ पे जो फराइजी मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट की थी, बेसिकली जो आइडिया ऑफ जिहाद था कि मुस्लिम जो हैं वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिहाद करें, तो ये उस मूवमेंट से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसी के आइडिया से स्टार्ट हुआ था। और इस मूवमेंट के अंदर वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो अपनी इस्लामिक ड्यूटी को ऑब्जर्व करें, अपने फराइज को ऑब्जर्व करें, इस वजह से ये चल रहा था। अब इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने आवाज ये उठाई थी कि जो सिंगिंग और डांसिंग हो रही है इसको बैन कर दिया जाए वेडिंग सेरेमनीज के अंदर। जो सिंगिंग और डांसिंग शुरू हुई हुई है उसको बैन कर दें। फिर उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी टू स्टार्ट डूइंग देयर तौबा। सो ही रिक्वेस्टेड द पीपल टू स्टार्ट तौबा एंड ही रिप्लेस द टाइटल ऑफ पीर एंड मुरीद विद उस्ताद एंड शागिर्द। पीर की जगह उन्होंने कहा था कि पीर नहीं उस्ताद होगा और मुरीद की जगह शागिर्द होगा। ठीक है, ये इनके रिफॉर्म्स थे हाजी शरीयतुल्लाह के, ये उन्होंने काम किया था बेसिकली। यहां तक सब मेरे साथ हैं तो प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर हाजी शरीयतुल्लाह ने जब ये फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी तो ही वाज ग्रेटली अपोज्ड बाय द हिंदू जमींदार्स। अब इस रिफॉर्म में क्या हुआ, ही वाज अपोज्ड बाय द हिंदू जमींदार। ठीक है, और फिर इनकी डेथ हो गई थी 1840 के अंदर, जिस तरह के हम ऊपर यहाँ मेंशन कर चुके हैं कल की क्लास में, यहाँ पे कि ही डाइड इन 1840 इन बंगाल। ठीक है, अब इनका एक सवाल है हाजी शरीयतुल्लाह का, इस सवाल सवाल को नोट कर लीजिए।
Did Haji Shariatullah contribute more to the spread of Islam than anyone else in the subcontinent before 1850? Do you agree? Explain your answer. अब इस सवाल को जैसे कि आप देख रहे हैं कि this is a 14 marks question, तो 14 marks question के अंदर जाहिर सी बात है you can explain all the religious thinker, क्योंकि उन्होंने उनका सवाल क्या है कि whether Haji Shariatullah he contributed more than anyone else or no. So of course over here यहाँ पे आप क्या explain करेंगे, you're gonna explain the three scholars. पहली चीज क्या होगी कि you're gonna discuss all the three scholars. ठीक है, वो थ्री स्कॉलर्स कौन कौन है? शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी एंड हाजी शरीयतुल्लाह. इन तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद ठीक है योर यू शुड गिव योर कंक्लूजन, जिसमें आप कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सम एक्सटेंट लेकिन द मोर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज गिवन बाय शाह वलीउल्लाह, हिज वर्क वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट during this time. ठीक है, conclusion देने के बाद you will support शाह वलीउल्लाह. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी, सही? आप तीनों स्कॉलर्स को डिस्कस करेंगे. अब तीनों स्कॉलर्स की डिस्कशन में आप क्या क्या करेंगे, शाह वलीउल्लाह की आप बिलीव्स और रिफॉर्म्स बताएंगे. ठीक है, इसी तरह सैयद अहमद शहीद बरेलवी की भी आप बिलीव्स और आप उनका वर्क बताएंगे, जो काम उन्होंने किया था, जो उनके रिफॉर्म्स थे. एंड सिमिलरली हाजी शरीयतुल्लाह के भी आप बिलीव और उनके रिफॉर्म्स बताएंगे कि उन्होंने क्या मूवमेंट स्टार्ट की थी. ठीक है, लेकिन आप उन ये चीज आपको क्लियर जरूर करनी पड़ेगी कि हाजी शरीयतुल्लाह ने जो अपना काम शुरू किया था, जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, दैट वॉज जस्ट लिमिटेड टूवर्ड्स बंगाल. ठीक है, ये सिर्फ बंगाल को टारगेट कर रहा था, ईस्ट बंगाल के एरिया को टारगेट कर रहा था. While जो शाह वलीउल्लाह ने जो काम शुरू किया था, that was targeting all the Muslims. पूरे मुस्लिम के जितने भी सबकॉन्टिनेंट के थे, सबको जो था ये टारगेट कर रहा था. ठीक है, अब क्योंकि शाह वलीउल्लाह के बाद जो है वो सैयद अहमद शहीद बरेलवी की डिस्कशन हुई, उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह की हुई, फिर अब हाजी शरीयतुल्लाह की जब डेथ हो गई, तो हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे मोहसिनुद्दीन. ठीक है, अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं. तो मोहसिनुद्दीन कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, ही वॉज ऑल्सो नोन एज डाडू मियाँ. ठीक है, एंड ही वॉज अ मिलिटेंट लीडर ऑफ द फराइजी मूवमेंट. सही, ही वॉज बॉर्न. अब ये बॉर्न कब हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड ही डाइड इन 1860. ठीक है, अच्छा, अब ये किसको कंट्रोल कर रहे थे? ये कंट्रोल कर रहे थे बंगाल के अंदर ही दो एरियाज को, दैट इज ढाका एंड फरीदपुर. फरीदपुर वही इलाका है जहाँ पे इनके फादर हाजी शरीयतुल्लाह जो थे वो बॉर्न हुए थे. जिस तरह कि हमने कल पढ़ा था लेक्चर में कि हाजी शरीयतुल्लाह वाज बॉर्न इन फरीदपुर, तो ये उसी एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि अपने फादर की डेथ के बाद ही हैड अ कंट्रोल ओवर दीज एरियाज. तो ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड ही डाइड इन 1860. देन ही हैड कंट्रोल of Dhaka and Faridpur. उसके बाद अब इस टाइम पे जब उन्होंने रूल शुरू किया था, उन्होंने अपने फादर की मूवमेंट ही स्टार्ट की थी, तो he started to continue his father's movement. ठीक है, और इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने फिर क्या किया था? How did he do it? He divided the area into smaller units and each unit was known as a circle. ठीक है, each unit was known as a circle. और फिर हर circle के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको equally जो था वो उन्होंने वो करना था कि मतलब इक्वली जो है वो रूल हो पाए एंड इट शुड बी बैलेंस इज जस्ट. तो हर सर्कल के लिए ही अपॉइंटेड अ लीडर. ठीक है, एंड ऑल द ईच लीडर वाज नोन एज अ खलीफा. ठीक है, ये मोहसिनुद्दीन का काम था. ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ? अब जब उन्होंने ये शुरू की
ठीक है, उन्होंने अपने फादर की जो है मूवमेंट को कंटिन्यू किया, तो सिमिलरली ही वॉज अपोज्ड, ही वॉज ऑल्सो अपोज्ड, ही वॉज अपोज्ड अगेन, ही ऑल्सो अपोज द लैंडलॉर्ड्स एंड देयर पॉलिसी, ठीक है, उन्होंने जो था तो ही ऑल्सो अपोज्ड and their policy. इसके अलावा अब when he started this rule, ठीक है, when he continued his father's movement, so similarly he was being hated by the Britishers and the Hindus. ठीक है, तो British ने क्या किया था, इस वजह से British ने उनको arrest किया था और उनको prison में put करा दिया था. और फिर जब उनकी डेथ हो गई 1860 में, तो फ्राइजी मूवमेंट जो थी वो बेसिकली डिक्लाइन हो गई थी. तो ही इज अपोज्ड अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, वही लैंडलॉर्ड्स हिंदू जमींदार यानी के, एंड उनकी पॉलिसी जो उन्होंने शुरू की हुई थी, क्योंकि वो लोग जो उनकी जो पॉलिसीज थी वो बेसिकली क्या थी कि आपने टैक्स पे करना है, और पीजेंट्स को प्रॉब्लम थी, और जो था फार्मर्स को वहाँ पे ईजली करने नहीं देते थे, मुस्लिम पीजेंट्स को वो लोग ऑप्रेस किया करते थे, इकोनॉमिकली दे वर हैविंग having a trouble in that area, ठीक है, so they were having an issue, तो इस वजह से when Mohsinuddin carried out the work of his father and he continued it further, तो he was being hated by the Britishers and the Hindus. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो है फिर ब्रिटिश ने उनको क्या किया, सो ब्रिटिश अरेस्टेड हिम, ब्रिटिश गॉट हिम अरेस्टेड एंड ही वाज पुट इन द प्रिजन. ठीक है, फिर जब उनकी डेथ हो गई, फाइनली आफ्टर हिज डेथ फराइजी मूवमेंट डिक्लाइंड. सही, उसके बाद विल मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट पर्सन, ही इज टीटू मीर. ठीक है, अच्छा टीटू मीर कौन थे, टीटू मीर जो थे वो एक बंगाली मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे. ठीक है, विल एड ओवर हियर कि टीटू मीर ही वॉज अ ग्रेट बंगाली मुस्लिम फ्रीडम फाइटर. ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, ही स्टार्टेड अ कैंपेन, ही लेड बेसिकली अ कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस. ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश का ये रूल चला आ रहा था इंडिया के अंदर ड्यूरिंग दिस 19th सेंचुरी, इसके अगेंस्ट किए गए थे. तो ही वॉज अ ग्रेट बंगाली मुस्लिम फ्रीडम फाइटर who led a campaign against the British rule during the British rule in India during the 19th century. ठीक है, अच्छा, he was a follower of Sayyid Ahmad शहीद बरेलवी. ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज मीर मित्र नासिर अली. ठीक है, ये इनका दूसरा नाम था, जिस तरह की हमने ऊपर पढ़ा कि मोहसिनुद्दीन का दूसरा नाम क्या था, दादू मियाँ, ये रहा मोहसिनुद्दीन का दूसरा नाम था दादू मियाँ. सिमिलरली इसी तरह चिटू मीर का नाम क्या था, मीर मित्र नासिर अली. ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1762 and he died in 1831. He was actually killed by the British in 1831. अब इन्होंने actually काम के शुरू किया था, he organized all the Muslim farmers. ठीक है, उन्होंने सबको unite किया था, सारे Muslim farmers को, और उन्होंने कहा था कि जो हिंदू landlords जो हमारे ऊपर rule कर रहे हैं and they're oppressing us and they're creating difficulties for us. ठीक है, तो ही टोल्ड देम टू स्टैंड अगेंस्ट ऑल दोज हिंदू लैंडलॉर्ड इन बंगाल, और उन्होंने फार्मर्स को एडवाइस किया था कि अब आप जो है वो टैक्स नहीं पे करेंगे, आप रिफ्यूज करें कि यू नॉट गोना पे
the land taxes, you're not gonna pay the taxes, जिसकी वजह से क्या हो गया था, ईस्ट बंगाल के अंदर जो था ना अनरेस्ट शुरू हो गया था, ठीक है, देयर वाज डिस्टरबेंस इन ईस्ट बंगाल, ठीक है. अच्छा, उसके बाद उन्होंने आगे यहाँ तक कहा था कि इट विल फर्दर, उन्होंने अपनी खुद का रूल सेटअप किया था और उन्होंने अपनी आर्मी गैदर की थी, ठीक है. उन्होंने क्या बेसिकली किया था, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ हिज कंट्री, ठीक है. इसके आगे आप यहाँ लिख सकते हैं, He devoted himself to the cause of his country. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद का रूल सेटअप किया था, अपनी छोटी आर्मी गैदर की थी, लेकिन ब्रिटिश ने अपनी एक आर्मी भेजी, ब्रिटिश ने अपनी एक आर्मी सेंड की, कितनी थी, द ब्रिटिश सेंट एन आर्मी of 100 soldiers and 300 sepoys and 300 sepoys to fight against Titumir. ठीक है, अच्छा, Titumir के पास क्योंकि modern weapons नहीं थे, तो Titumir didn't have modern weapons for the war, ठीक है, so he started fighting against the British forces, ठीक है, लेकिन finally he was killed by the British in 1831. He didn't have modern weapons for the fight. For the fight against the British forces, and then he was killed by the British in 1831. ठीक है, ये हो गया टॉपिक Titumir का. अगर यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, अगर सबको यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें, सो वी कैन कंटिन्यू फर्दर. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो दीज आर आवर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ये नोट कर लें, अगर इस तरह का आपके पास सवाल आए. अच्छा, इससे पहले जो है मैं ये आपको क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस बताऊं, इनके आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लें. हाजी शरीयतुल्लाह से यू कैन हैव दिस 14 मार्क क्वेश्चन एंड सिमिलरली regarding his reforms या regarding his work you can have another question as well. ठीक है, और वो question क्या हो सकते हैं कि what was the Farizi movement, this could be a 4 mark question of CI examination. इसके अंदर basically इस question में आप क्या बताएंगे, you can note it down, क्योंकि 4 mark का सवाल है, इसका मतलब है you need to tell your 4 points. basically 4 points क्या होते हैं for a 4 mark question, इसको आप नोट कर लीजिए. ठीक है, यू नीड टू टेल व्हेन, हु, व्हाट एंड द रिजल्ट, और यू कैन टेल द आउटकम. ठीक है, दीज आर द 4 things विच यू नीड टू No, when you have to answer a 4 mark question basically. So if we start off with when. So when was it started? When was the Farizi movement started? The Farizi movement was started by, it was started in 1818. Who started it? It was started by Haji Shariatullah. What was the purpose behind starting it? It was basically to tell or to remind the Muslims regarding their farz. ठीक है, और रिगार्डिंग देयर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज आप दोनों लिख सकते हैं. ठीक है, एंड देन व्हाट वाज द आउटकम ऑफ इट, फाइनली डिड इट कंटिन्यू, वाज इट सक्सेसफुल, नो, फाइनली इट
failed after their death. So this movement, you can mention this movement failed after the death of his son Mohsenuddin. ठीक है, इसमें आप ये मेंशन जरूर कर सकते हैं कि दिस मूवमेंट वाज कंटिन्यूड आफ्टर द डेथ ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह बाय हिज सन दादू मियां एंड लेकिन एज द ब्रिटिश अपोज्ड इट एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स दे अपोज्ड इट एंड दे पुट मोहसिनुद्दीन इन जेल इन प्रिजन तो फाइनली इन 1860 इट केम टू एन एंड. यू कैन टेल दैट कि ये मूवमेंट फाइनली फेल हो गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन मोहसिनुद्दीन एंड दिस मूवमेंट केम टू एन एंड इन 1816. ठीक है, तो दिस मूवमेंट केम टू एन एंड इन 1860. ठीक है, आई होप कि आपको 4 मार्क के सवाल की आंसरिंग का तरीका आपको समझ में आ गया है. एंड इफ इट्स क्लियर तो प्लीज सब मुझे चैट बॉक्स में बता दें. दिस इज जस्ट अ सैंपल कि आप 4 मार्क का सवाल कैसे आंसर करते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स यू नॉट गोना राइट इट इन पॉइंट्स, आपको इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होगा. इट हैज टू बी एन आंसर ऑफ 1 पैरा. ठीक है, लेकिन बेसिकली जो आपने चीजें मेंशन करनी होती है यू हैव टू नोट देम कि किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, उसका मकसद क्या था और फाइनली उसका रिजल्ट या आउटकम क्या निकला. ठीक है, सिमिलरली यू कैन हैव 4 मार्क्स क्वेश्चन फॉर हु वॉज मोहसिनुद्दीन. लेकिन एग्जाम में ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ क्वेश्चन एज इस तरह भी आ सकते हैं हु वॉज दादू मियां. ठीक है, तो यू शुड नो कि दादू मियां वॉज नन अदर देन मोहसिनुद्दीन. ठीक है, एंड ही वॉज द सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह. आप इस सवाल को भी नोट कर लीजिए अपने पास एंड इसके बाद विल कंटिन्यू फर्दर. फिर जितने सवाल आ सकते हैं हु वॉज टीटू मियां. ठीक है, तो हु वॉज टीटू मियां, इस सवाल को भी अपने पास नोट कर लीजिए. ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग को ये क्लियर हो गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी इसके बारे में. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. अब अगर आप ये वाला सवाल देखें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि हाउ सक्सेसफुल वर द रिलीजियस थिंकर्स इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 18th and 19th century. तो सिमिलरली वही होगा कि यू आर गोना डिस्कस ऑल द 3 scholars. पहली बात तो ये, you will discuss all the 3 religious scholars, the religious thinkers. ठीक है, और इन सब को डिस्कस करने के बाद you will mention शाह वलीउल्लाह. ठीक है, इस शाह वलीउल्लाह के अंदर you have to mention his belief plus his reforms. Similarly, फिर आप बताएंगे सैयद अहमद शहीद बरेलवी. ठीक है, you're gonna tell his belief and you're gonna tell his work. क्योंकि उनका work basically क्या था, the work was to start the jihad movement. ठीक है, एंड देन यू आर गोना टेल हाजी शरीयतुल्लाह. इसमें आप उनके बिलीव्स बताएंगे एंड यू आर गोना टेल हिज रिफॉर्म्स या फिर उनके जो वर्क था. ठीक है, अच्छा, यू कैन मेंशन अ लिटिल बिट. आपने डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी उनके सन के बारे में, लेकिन यू कैन जस्ट मेंशन आउट अ लिटिल बिट अबाउट हिज सन कि उनकी डेथ के बाद उनके सन ने ये काम कंटिन्यू किया था, दादू मियां ने ये काम कंटिन्यू किया था. ठीक है, इसके बाद यू कैन मेंशन आउट द कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन के अंदर यू विल सपोर्ट शाह वलीउल्लाह. ठीक है, व्हाई यू विल सपोर्ट शाह वलीउल्लाह, क्योंकि शाह वलीउल्लाह के ऊपर जो है आपने उनके रिफॉर्म्स बताने, रिफॉर्म के बाद आपने उनके सारे वर्क बताने. सबसे पहले तो आप उनका बिलीफ बताएंगे, बिलीफ के बाद उनका रिफॉर्म है, रिफॉर्म के बाद आप उनकी सर्विसेज भी बताएंगे. इसमें आप उनकी सर्विसेज देंगे एंड ऑल दो सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिकली पॉलिटिकल सर्विसेज, यू आर गोना टेल अबाउट हिज इकोनॉमिक सर्विसेज एंड यू आर गोना टेल अबाउट हिज रिलीजियस सर्विसेज एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह. यस, यू कैन राइट आउट बिकॉज ही वॉज द base for giving out, for pointing out the difference ke if the Muslims have the knowledge of Islam and if they have clear understanding of Quran and Sunnah teaching, so they can get out from this declining mode. And because they're having the incomplete knowledge
regarding the Quranic teaching, so they are facing out all the difficulties. And of course, you can mention in the end, Shah Waliullah, he told them that if the moral and the spiritual principles of Islam, Islamic teachings are there with the Muslims, and if Muslims are fully aware of this, so they can create a good society and they can also come over this disunity which is growing among themselves. Okay, I hope it's clear. You will support Shah Waliullah at the end. Okay? And you need to mention ki Shah Waliullah ko aap kyun support kar rahe. You can tell it this way ki beshak, although all the thinkers have worked hard for the revival of Islam and all of them, they spreaded Islam in the subcontinent. Lekin, the work of Shah Waliullah contributed the most as his work was also carried on by his sons. Okay? और फिर आप उनके सन्स के नाम बता सकते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इट कि उन्हीं के सन्स के फॉलोअर्स जो थे वो सैयद अहमद शहीद बरेल भी रह चुके थे एंड जो है फिर यू कैन मेंशन यू कैन गिव दिस पॉइंट कि शाह वलीउल्लाह का जो काम था दैट वाज लाइक के मदरसे रहमिया इट कंटिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उनके बेटों ने जो शाह वलीउल्लाह ने जो कुरान को ट्रांसलेट किया था फ्रॉम अरबिक टू पर्शियन लैंग्वेज उनके बेटों ने इस काम को फर्दर कंटिन्यू किया था बाय चेंजिंग इट फ्रॉम पर्शियन टू उर्दू ठीक है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाइल इफ यू लुक ऑन द अदर हैंड तो यू विल फाइंड आउट के सैयद अहमद शहीद बरेलवी का जो काम था इट एंडेड द जिहाद मूवमेंट बेसिकली एंडेड विद हिज मार्टिरडम इन 1831 विद इन द बैटल ऑफ बालाकोट और जो फराइजी मूवमेंट जो हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू की थी इट ऑल्सो एंडेड इन 1860 with the death of his son Mohsin-ud-Din yani ke dadu mia theek hai to kyunki inka kaam basically end ho gaya tha and Shah Waliullah ka kaam it continued for a long period of time so of course you can say this ki Shah Waliullah ka jo kaam hai in your opinion it contributed the most theek hai for spreading Islam in the subcontinent and you can also mention it ki unka ye jo kaam hai it was the most important as it was also for the revival of Islam, also for the spread of Islam. इसी तरह अगर आपके पास ये वाला सवाल आए, if you look onto your other question, तो इसमें जैसे ये आता है, did Shah Waliullah? contribute more to the spread of Islam than anyone else? In the subcontinent before 1850 theek hai and explain your answer so iske andar bhi it will be the same format you're going to discuss all the three uske baad phir aap sabki jo hai wo reforms beliefs reforms work and services wagaira batayenge and in the end you will support Shah Waliullah theek hai you will basically mention के इट इज क्लियर के ऑल द एफर्ट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह फॉर द रिवाइवल एंड फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम दोनों काम शाह वलीउल्लाह का जो काम था आई मेंशन इट ओवर हियर कि शाह वलीउल्लाह के एफर्ट्स फॉर रिवाइवल एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट देन द अदर रिलीजियस थिंकर्स or reformers theek hai you will mention that clearly theek hai reformers theek hai ab bata di yahan tak agar sab ko clear hai to we are done with this chapter alhamdulillah theek hai we have completed everything regarding this chapter is it clear till here ठीक है देन वी कंटिन्यू आई हैव सम फोकस पॉइंट्स टू टेल यू कि आपको इन चैप्टर के अंदर तीन बेसिकली जो आपने फोकस करना है व्हाट इज दैट अबाउट यू शुड नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो द रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ शाह वलीउल्लाह पहली चीज देन यू शुड नो द इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी
ठीक है, इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम. एंड द थर्ड, ठीक है, एंड द थर्ड थिंग विच यू शुड नो इज दैट के द इंफ्लुएंस ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह एंड द फराइजी मूवमेंट. ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड यू शुड बी क्लियर विद इट. अब आप रिकॉल करें, डू यू रिमेंबर वट ऑल आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ शाह वलीउल्लाह? अगर शाह वलीउल्लाह की रिलीजियस रिफॉर्म्स को आप रिकॉल करते हैं तो यू विल रिमेंबर कि शाह वलीउल्लाह की रिफॉर्म्स के अंदर आई टोल्ड यू कि यू नीड टू मेंशन कि उन्होंने कुरान, उनके सारे वर्क आपको पता होने चाहिए कि उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया, फिर उनके बेटों ने उसको फर्दर ट्रांसलेट किया. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी अहदीस लिखी, बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे, उन्होंने फिर चार इमामों के बीच में जो था वो बैलेंस क्रिएट किया, उसके लिए उन्होंने बुक्स लिखी, फिर इस्लाम की नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए बुक्स लिखी, फिर उन्होंने शिया सुन्नी राइवलरी को एंड करने के लिए उन्होंने काम किया. These were all his religious reforms. और फिर आपको बताना पड़ेगा as he had a deep understanding regarding the Holy Quran, Hadith and fiqh. So he was a highly knowledgeable scholar. इस वजह से वो चाहते थे कि अगर मुस्लिम के moral और spiritual principles इस्लाम की अगर जो है वो clear out हो जाए तो उनके बीच में जो disunity हो रही है और उनके religion के ऊपर ये जो danger attacks हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका empire बिल्कुल decline की verge पे है, they can stop it from happening. और सैयद अहमद शहीद बरेलवी की इन्फ्लुएंस जो आप रिकॉल करेंगे इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, यू शुड नो दैट कि इवन दो ही स्टार्टेड द आर्म स्ट्रगल और ये उनका आर्म स्ट्रगल फेल्ड हो गया, लेकिन फिर भी द हिस्टोरियंस दे टेल कि इट वाज द बेसिक. ठीक है, इनका ये जो आइडिया था इट कंटिन्यूड, इनकी जो ये एफर्ट्स थी सैयद अहमद शहीद बरेलवी की, इट वाज बेसिकली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन डिफेंडिंग देयर रिलीजन, कल्चर एंड देयर फ्रीडम. ठीक है, जिसकी वजह से फिर मुसलमान बाद में अपना होमलैंड बना चुके. और फिर इसका हाजी शरीयतुल्लाह का इन्फ्लुएंस आप बताएंगे कि इसी जिहाद के आइडिया को लेके उन्होंने फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम्स अपने फर्ज से जो दूर हो रहे हैं और मुसलमानों की जो मिजरेबल कंडीशन हो रही है इसको वो स्टॉप कर सकते हैं मुस्लिम्स, एंड दे कैन कंटिन्यू फर्दर इफ दे फॉलो देयर फराइज एंड इफ दे stick to their obligatory duties, they can continue further. And Muslims अपनी दोबारा जो है अपनी power को, अपने pride को restore कर सकते हैं, Hindu practices से हट सकते हैं, and they can continue further. आज हमारा यहीं तक था, and if everything is clear, तो फिर इंशाल्लाह हमारी coming Friday को मुलाकात होगी. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.